मौसी यहाँ पे अपने पॉइंट शेयर करना चाहती है, मतलब कुछ कहना चाहती है आप सबसे मेरे ब्लॉग के थ्रू। तो मौसी बैठ गई है हॉट सीट पे, जहाँ से पूरा यहाँ से बैक से गंगोत्री का व्यू आ रहा है। अब मौसी करो, क्या कहना चाह रहे हो आप? मैं अपने ऑल इंडिया को एक मैसेज देना चाहती हूँ कि मतलब मैं बद्रीनाथ भी गई हूँ उत्तराखंड की यात्रा में, और यहाँ गंगोत्री धाम आई है, यमुनोत्री, उत्तरकाशी, सब जगह मैंने देख लिया। हमारे उत्तराखंड के लोग इतने भोले हैं, इतने अच्छे लोग हैं, अपनी ईमानदारी का कमा रहे हैं, खा रहे हैं, अपना रोज का कमा रहे, रोज का खा रहे, पर मतलब ऐसे ऐसे वैसे लोग। हाँ, जैसे यहाँ पे भी देख लो सिर्फ 6 महीने का काम है, 6 महीने फिर उन्हें यहाँ से जाना पड़ता है। पर तब भी किसी के मन में मतलब वो नहीं है, पाप नहीं है, नहीं, सब इतने ईमानदार है, भोलेपन से रहते हैं। हाँ, अपने बिल्कुल भोलेपन से, मतलब हम यहाँ पे ऐसे अपने खुले में घूम रहे हैं, मतलब ऐसा लग रहा है घर में होंगे, ऐसे कुछ नहीं लग रहा है, सामान ऐसे छोड़ के चले जा रहे हैं, ऐसे कुछ नहीं लग रहा कि जैसे हम कहीं और जगह भी जाते हैं ना तो हम सोचते हैं भाई मेरा पर्स ये कोई काट लेगा ये, मतलब यहाँ पे नहीं है ऐसे। यहाँ पे बहुत मतलब अच्छा है, मतलब ये मैं ये मेरा मैसेज ये है कि ये जो बाहर के लोग हैं ना, ये हमारे उत्तराखंड को खराब कर रहे हैं। मेरा पूरा पूरा वो हमारी अंकिता भंडारी से कि जिसने मतलब बाहर से मतलब सबसे नहीं है, सिर्फ उनसे है जिन्होंने अंकिता के साथ ऐसा किया, जिन्होंने किया है अंकिता के साथ ऐसा, वरना मतलब सब एक जैसे नहीं होते। ये हम मानते हैं, लेकिन अंकिता के साथ जिन्होंने किया ना, उन्होंने बहुत गलत किया। और कैसी जगह में हुआ? ऋषियों की नगरी में हुआ, ऋषिकेश में। सही बात, जहाँ पे ऋषियों की नगरी है, हमारे भोलेनाथ का स्थान है, वहाँ पे मतलब वहाँ पे हुआ है। बहुत बड़ा मतलब हमारे उत्तराखंड के लिए इतने बड़े दुख की बात है ना ये, कि हमारी बेटी को इंसाफ तो मिलना ही चाहिए। सही बात है। हाँ, वरना आज तक कभी उत्तराखंड से ऐसा केस नहीं आया था, कभी भी नहीं आया, कभी भी नहीं। हाँ, और उसमें ये है कि हमारे उत्तराखंड के कोई नहीं है, वो सारे बाहर के हैं वो। हाँ, सही बात है। हाँ, जिन्होंने। और यहाँ पे अंकल जी भी, अंकल जी आप भी यहीं के हो होटल? मैं उत्तरकाशी को। अच्छा, उत्तरकाशी को, मतलब ये हिमश्री सदन के ही है? जिस होटल में हम रुके हैं वहीं के अंकल जी भी। रात को नहीं दिखे थे अंकल जी जब हम आए थे, तब कहाँ थे आप? मैं उत्तरकाशी थे, कल जब आप टैक्सी में बैठे थे। अच्छा अच्छा, बैठे थे आपने, मैं बैठा था। अच्छा अच्छा, हम ट्रैकिंग काम कराते हैं। अच्छा, ट्रैकिंग का काम कराते हैं अंकल जी। हाँ, तो ये मैंने जो होटल का नंबर शेयर किया है वही नंबर है ना ट्रैकिंग? ट्रैकिंग का दूसरा है। अच्छा, बोल दो फिर अपना नंबर। हम मेरे नंबर 70-370-40-570। अच्छा, तो ये अंकल का नंबर है, अंकल ने बोल दिया। तो ट्रैकिंग कहाँ पे करवाएं हम? यहाँ से ये गौमुख है, ये 3 किलोमीटर यहाँ से गौमुख है, और उसके आगे 5 किलोमीटर तपोवन है, उसके बाद 6 किलोमीटर नंदनवन है, नंदनवन। अच्छा, और उसके बाद 6 किलोमीटर बासुकी ताल है। अच्छा, और उसके बाद तब खड़ा पत्थर है, वही उधर ऊपर 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 हाइट में खड़ा पत्थर है। अच्छा, खड़ा पत्थर से सब सीता ग्लेशियर है। हाँ, सीता ग्लेशियर से कालीना भेस है, जो जहाँ पे कालीना भेस है, उसके बाद हम कालीना क्रॉस करके राजखड़क जाते हैं। अच्छा, राजखड़क से हम फिर खस्तोली गांव मान, जहाँ पे आर्मी हमारी फोर्स रहती है, इंडियन आर्मी है। अच्छा, वहाँ इंडियन आर्मी है, वहाँ से हम इंडियन आर्मी है। हाँ, फिर वहाँ से लौट के फिर वो क्या बद्रीनाथ आते हैं, बद्रीनाथ से नगर होके फिर उत्तरकाशी आते हैं। अच्छा, ट्रैकिंग कराता हूँ, मेरा अपना ऑफिस है। अच्छा, कहाँ पे आपका ऑफिस? उत्तरकाशी। उत्तरकाशी में रास्ते बद्रीनाथ भी पहुँच जाते हो? बिल्कुल, ऊपर यहाँ से रास्ता है, यहाँ से। अच्छा, यहाँ से केदारनाथ का रास्ता है, ये वो है केदारनाथ बिडौने के केदारनाथ का रास्ता है। अच्छा, तभी मैप में दिखा रहा है। हाँ, मैं खुद कराता हूँ। गौमुख से इस साइड को केदारनाथ, इस साइड को बद्रीनाथ, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे लग रहा है पास में। अच्छा, बहुत बढ़िया। आप मतलब जहाँ पे ग्लेशियर है तो वहाँ पे फिर आप लोग ग्लेशियर में कैसे कैंप कैंपिंग करते हैं? वहाँ पे करके कैंप मतलब सेफ जगह लगाते हैं। अच्छा, अच्छा, कैंपिंग करवाते हैं। हमारे पास टेंट है, स्लीपिंग बैग है, सारा हम किचन लेके पूरा साथ लेके चलते हैं। वैसे आजकल भी बढ़िया था, आजकल वैसे ये बंगाली लोग हमारे कलकत्ता के लोग होते हैं वो आजकल वो चलते हैं। अच्छा, आजकल तो मौसम जो आगे से बोल रहे हैं, अटल जारी कर रखा 3 दिन का। हाँ, 3 दिन का अलर्ट हो रखा है।
इसलिए हम हमारा प्लान भी कैंसिल हो गया। मेरे साथ ग्रुप आ रखा है, आ रहा है, आज आ रहे हो, आज प्रकाश आ जाएंगे, हमने जन्मदिन में बुकिंग करी। आपकी पहले से बुकिंग हो जाती होगी ना? ऑनलाइन बुकिंग करते हैं हम। अच्छा, वैसे अगर कभी हम नेक्स्ट टाइम आना चाहें तो कौन सा टाइम बेस्ट होगा, जिस टाइम पे ऐसे अलर्ट वगैरह ना हो और मौसम सही रहे? मई जून में भी ठीक है। अच्छा, और सितंबर में बढ़िया है। मई जून में तो बोलते हैं ग्लेशियर, मतलब ना ना गौमुख तक तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अच्छा, गौमुख तक तो कोई खतरा नहीं, गौमुख तक सीधा रास्ता है। अच्छा, आप बद्रीनाथ गए होंगे ना? हाँ हाँ, यमुनोत्री गए होंगे आप? बद्रीनाथ गई हूँ। बद्रीनाथ तो गाड़ी जाती सीधी? हाँ हाँ, डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। सीधा जैसे वहाँ पे जैसे यहाँ इतने जाते, थोड़ा दूर है, वहाँ नजीक है। हम गए थे पिछले साल, क्या बोलते हैं, अक्टूबर नवंबर में केदारनाथ। हाँ, तो वहाँ पे भी केदारनाथ से आगे भी एक जगह है ना, वहाँ के लिए भी मना कर दिया था। केदारनाथ से आगे है बासुकी ताल। हाँ, बासुकी मैं गया वहाँ से, मैं वहाँ वहाँ से भी गया। तो तुम्हारा गंगी गांव जो हमारा उत्तराखंड का लास्ट गांव, एक गंगी है, हरी एक माणा है। तो मैं दोनों जगह से ट्रैकिंग ले गया। अच्छा, दोनों जगह वहीं से ऊपर ही ऊपर निकला, सीधा केदारनाथ निकला, जो मंदिर केदारनाथ का, जहाँ से आपने देखा वो झरना रही, वहाँ से रास्ता बता, जहाँ से आपने जाना था 10 किलोमीटर आगे है बासुकी ताल, तो वहीं से आना हमको नीचे। अच्छा, वहीं से हम नीचे आते कैंप करके, तो हमारा जाने के लिए ब्रह्म कमल, आपने सुना होगा ब्रह्म कमल? हाँ हाँ हाँ, तो बासुकी ताल में ब्रह्म कमल बहुत होते हैं। अच्छा, बहुत ज्यादा बुग्याल होती है, ब्रह्म कमल होता है। अगर वहाँ जाना हो हमें कभी दोबारा आ सकते, कोई दिक्कत, इधर आओ। ये सेसर ताल है हमारा, सेसर ताल है हमारे इधर से उत्तरकाशी रास्ता कहता है, वो बहुत बड़ा बुग्याल है, मतलब उत्तराखंड का अच्छा बुग्याल है, बहुत बड़ी। यहाँ से लेकर उत्तरकाशी तक बुग्याल ही बुग्याल लगेगा। अच्छा, बड़ा बुग्याल है। अच्छा, वहाँ भेड़ बकरी रहती है। अच्छा अच्छा, हमारी जो धरोहर है जो उत्तराखंड की। हाँ, आप, हम आप इस कपड़े को पहने, आप इनको पहने, ये कपड़े हम पहनेंगे, हमारा कोई कलेज जिंदा। सही कह रहे हो, उनके कोट पहने था, उनके पहनते थे, उनके पहनते थे। आपके जो नीचे का जो होता है वो पंखी होती है ना, पंखी पहनी थी, और झोला होता नीचे टोपी भेड़ के ऊन की ना, बिल्कुल सब कुछ हम लगाते। आज कल्चर चेंज हो गया, पहले तो ऐसे पहनते थे, लगा के क्यों तो बोलते हमारे यहाँ उसको पंखी बोलते हैं। अच्छा अच्छा, आप यहाँ कौन बोलते ना, और यू होता क्यों लगा के क्यों चलना था, फिर पठेड़ा होता है, पठेड़ा गर्म होता है, पठेड़ा होता है, पठेड़ा ना पठेड़ा बांधते थे हम। तो हमारे तो पहले, अब लोगों ने, अब तो काफी कल्चर हो गया अब तो। हाँ, अब देखो तो ऋषिक, अब देखो ऋषिकेश में देखो केंद्रीय मंत्री बन रखे हैं। हाँ, बहुत अच्छा बन रखा है। हाँ, बोलते यार हम केंद्रीय मंत्री हैं। हाँ, अच्छी बात, आप केंद्रीय मंत्री हो यार, केंद्रीय मंत्री हमने उत्तराखंड इसलिए बना रहे, तुम हमारे उत्तराखंड के विकास करे, ये नहीं हमारी बहन, हमारी बेटी, हमारी माता, और उनके साथ तुम, जो तुम्हारा रिजोर्ट है जैसे जंगल में बना रखा है, जहाँ पे उत्तराखंड की देवभूमि ऋषि मुनि की भूमि थी। हाँ, जहाँ लोग तपस्या करते थे पहले। हाँ, और गंगोत्री नहीं आ पाते थे उस टाइम, वहाँ पे तो श्राप मिल जाता था, ऐसे ही कोई गलत काम करता था। उन्होंने क्या, दारू पीने का धंधा। हाँ, लड़कियों के साथ बलात्कार काम करना। हाँ, बड़े बड़े लोगों को, अहंस लोगों को लाना, किसी का बलात्कार करो, किसी को मारो। हाँ, मारो भैया, देखो नहीं, वहाँ पे ऋषि मुनि सरकार जो हमारी, अगर किसी ने गलत काम करा सीधा श्राप देते थे। हमारा उत्तराखंड की भूमि, उत्तराखंड सरकार, पुष्कर सिंह धामी जी, यार तुम, हम आपसे हमारी यात्री रहे, आप इनको फांसी दो, दो तुरंत, हमें नहीं चाहे कुछ, हमें विकास, आप विकास बात की बात है, पहले इनको फांसी दे दी। अगर उनको विकास तुम्हारे हुए, अगर हमारे दो से लड़की अगर आज आज गंगोत्री आ जाएगी, कल केदारनाथ आ जाएगी, कल बद्रीनाथ जाएंगे, पर उनके साथ अगर कोई सुरक्षित नहीं है, क्यों डर रहे यार, कल क्या हो जाएगा, घर वाले भी बाहर जाने के लिए। अब हम सोच रहे हैं यार, मैं इसलिए जाता, मेरी बेटी जाएगी। हाँ, मैं अपनी बेटी सुन के डर लग रहा है, मैं अपनी बेटी को पढ़ाने बेटे कराऊं। हाँ, या कुछ अन्य अन्य कोर्स उनसे कराऊं, मैं बोलूंगा मेरी लड़की, एक दो लड़की है। हाँ, उनको मैं इससे भेज दूँ, मेरी इतना आर्थिक कंडीशन मेरी कमजोर है। हाँ, मैं बोलूँ यार पूरा परिवार जाऊँ कैसे जाऊँ, मैं भेज रहा हूँ, मैं उससे भी काम नहीं करा पा रहा हूँ। मैं बोलूँ बेटा कोई बात मत जा, मत पढ़ ले, अनपढ़ रह जा यार, तेरे को वहाँ किसी ने नहर में फेंकना है, किसी ने तेरे को मारना है, जिसे मतलब घर में ठीक है, मतलब एक ही वजह से ना बहुत लड़कियों के सपने टूट रहे हैं। हाँ, सपने जो हमारे लड़कियों का सपना था। हाँ, वो बोल रहे यार मैं बहुत बड़ी पोस्ट में पहुंचूं, बीटेक करूं, बीटेक करूं, इंजीनियरिंग करूं, तो उनका जो सपना है वो टूट रहा है, वो सरकार तोड़ रही है, सरकार को, सरकार सरकार के बीच के आदमी कहीं केंद्रीय मंत्री उनका सही बात है। और केंद्रीय मंत्री बोलता है मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया, अपने आप जब उनको पूछते हैं क्या क्या, वो बोलता हूँ
मेरा बेटा है ही नहीं ऐसा, बोल रहे मेरा बेटा है ही नहीं ऐसा। मेरे बेटे भाई पूरी कहानी तो पता चल गई है कि क्यों उसको वहाँ ले गया, क्यों उसने वहाँ पे ऐसी जगह मेरी। हम बड़े खानदान के हैं, हम ऐसे नहीं, कभी हो नहीं सकता है। अच्छा हो नहीं सकता भाई, तो बाद में कैसा कबूल कर दिया? बोला तुम्हें पैसों ने पागल कर दिया। अब तुम क्या, अंकिता जो लड़की थी वो बहुत ग्रेट लड़की थी, तो उसका चरित्र नहीं था, नहीं होती वो लड़की, तो लालच में आ जाती, 10,000 के लालच में आ जाती। जॉब करती, 10,000 डाले जाती, दो साल में ठीक ठाक पैसे वाली हो जाती। अपना जो क्रेडिट है उसका, उसने उत्तराखंड की जो माता बहनों को एक मैसेज दिया, बहनों ऐसे क्रेडिट काम मत करो, अपने ईमानदारी में रहो। उसके ना उसका जो 12th का 10th का सर्टिफिकेट है ना, बहुत अच्छे परसेंटेज से पास हो रखी है। अब कॉमर्स वो बल ना उसको तो बल बोला ना कि मैंने तो बहुत ऊंची मंजिल तक जाना है। जो घर चला रही थी उसका सपना था मैं अपने यहाँ तीन मकान बनाऊं, तीन कमरे बनाऊं, जो पिताजी जो दे रहे आर्थिक स्थिति बोला था, पिताजी मैं तीन कमरे बनाऊंगा, यहाँ पे हमारे मेहमान आएगा, यहाँ भेटेगा, ये भेटेगा, उसका भी पिताजी बोल रहे थे हमारा सपना चूर चूर कर दिया। अब देखो आप इतनी पूरा सपना तो चूर हुआ था, बेटी भी गई। आप हमारी मातृशक्ति है, उत्तराखंड में अगर मातृशक्ति इतनी कदर है उतना कहीं नहीं है। बाहर से लोग आ रहे हैं यहाँ, टिकट दे रही है उनको सरकार, फट उनको टिकट दे रही है, एमएलए बन रहे हैं, अब उनके लड़के आ रहे हैं, पिता पर बलात्कार कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो पैसे बलबुल कर रहे हैं। अब पुलिस शासन पटवारी शासन वो उनके दबाव में, जब भाई पटवारी को पता नहीं है, पटवारी अपने आप वहाँ से वो चले गए, नीचे चले गए, तो दूसरे पटवारी चार्ज क्यों दिया? इसका मतलब वो साजिश थी उनकी, पूरी पूरी प्लानिंग थी। और पुलिस जब बड़े लोगों का बेटा है ना, बड़े लोगों का बेटा, और तुम हमारा होता आज हमको फांसी हो जाती, पता भी नहीं चलता, फांसी हो जाती है। सही कह रहे हो, लड़के होते आज पता भी नहीं, ऐसे रफा दफा कर देना था। अब क्या लुटी कर रहे हैं, अंकिता जिस अंकित जिस कमरे में अंकिता था, क्यों उसने जिप्सी चलाया भाई? हाँ, क्या मतलब अंदर, क्या मतलब उसमें पूरा सपूत होना था। और अगर अवैध था तो पहले क्यों नहीं था, पहले क्यों इतने टाइम से? बिल्कुल सही बोल रहे हैं, पहले क्यों सपूत खत्म कर दिया? जब उसको मार दिया तब उन्होंने तोड़ दिया वो सपूत खत्म करने के लिए। बोल रहा है साहब मुझे पता नहीं यार, आप जिले के मालिक है, अरे आपको मतलब नहीं, हमारी प्रॉपर्टी में बन रखा है। हम तो गंगोत्री से लेकर चार धाम से लेकर पूरा उत्तराखंड से लेकर है, हम तो सब लोग अंकिता के साथ हैं। अंकिता से अगर संघर्ष करने पड़ेगा हम संघर्ष करेंगे, लट्ठी खानी पड़ेगी पुलिस को, हम लट्ठी खाएंगे। और जब तक अंकिता को अगर न्याय नहीं मिलेगी तब तक हमारा भी अंकुर जो कार्यकर्ता प्रत्येक उत्तराखंड के माता बहनों का, हम सब उसके साथ हैं, हम उसके साथ हैं, हम उस बेटी के साथ हैं, न्याय दिला के रहेंगे। हमारी देवों की भूमि में हुआ, हम देवों की भूमि, इन्होंने भ्रष्ट कर दिया, देवों की भूमि में इतना बड़ा मतलब ऐसे हुआ है। हमारे देवी हम यहाँ जो प्रगट हैं, यहाँ जो रहते हैं, हम अपने देवी देवताओं को रहते हैं, हम उठते हैं भगवान हमारा काम करो, उनके भरोसे हम हो भी जाता, हम उनका नाम लेते हैं। पहले पहले दादा बाबू में हमारे किसी और का बच्चा नहीं होता तो भगवान के पास जाते, भगवान हो भी जाता, उनका बच्चा भी देते। कुछ नहीं है, अब भोलेनाथ जी के शिवालय में तुम करोगे ना, तुम दारू पियेंगे यहाँ, अगर अंडे खाएंगे मीट खाएंगे तो यार कहीं ना कहीं दिक्कत क्यों, हम उन्होंने हमारी देवभूमि सारी भ्रष्ट कर दी। देखो आप मंदिर भी आ रहे, कोई औरत किस प्रकार की, बाकी कोई कैसी है, कोई मर्द कैसे, कोई किसी का बटवाई कितना है, कोई कुछ नहीं। हमारे लोग अगर ये पैसा मिलेगा बोलेंगे भाई साहब भी आपका बटवा, तभी तो हम यहाँ हमारे मैं लोग क्या रहते हैं, किसी का केमड़ा है, किसी का गुलाक है, किसी की लेके चलते, आज वो भी डर रहे हैं, वो बोले भाई ठीक नहीं घर में रखो। उत्तराखंड में पहले पहन के जाते थे, गुलाक है पूरे जेवर पहन के जाते थे, आज वो इसलिए डर रहे हैं भाई, जैसे अंकित है वैसे दूसरे अंकित, पता नहीं कितने अंकित नहीं है वो अभी, इनका इनका अभी राज ही नहीं खुला सरकार में, अगर कितने लोग पैक कर रखा उन्होंने, इतना रिजोर्ट बना रखा सरकार के, मतलब इतना बड़े जंगल में बना रखा अवैध में, अवैध में। अरे हम तो बोल रही हूँ, घर बनी है तो इनका कोई प्रूफ तो होगा, हम गरीब आदमी, गरीब आदमी कुछ होगा, हम गरीब आदमी अगर झीले लगाएंगे कहीं भी बोली यार, तो हमको दो से तीसरे दिन शासन प्रशासन की लेटर आ जाएगा और उनका जीप से आ जाएगा तोड़ देंगे, क्यों हम इतने पावरफुल है ही नहीं ना, हम इतने पावरफुल हमारे आगे पीछे कोई है ही नहीं इतना पावरफुल, कमजोर कड़ी देखते हैं ना, कमजोर गरीब आदमी को सब दबाने की कोशिश करते हैं। तो हमारी ये उसके साथ भी तो वही था, उनको लगा कि मतलब इसकी फैमिली गरीब लड़की है, फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं है,
तो उन्होंने सोचा ये हमारे झांसे में आ जाएगी, सोचा ये केस दब जाएगा, केस भी दब जाएगा। नहीं, स्टार्टिंग में भी जो उन्होंने पैसों का लालच दिया उसे कि तू कर जो हम बोलेंगे वो कर, पैसों का लालच देंगे, लेकिन वो लड़की इतनी अच्छी थी और यही है उत्तराखंड में। पता नहीं कितनी लड़कियों के साथ उन्होंने ऐसा काम किया, सही बात है। राज अब खुलेगा ना, राज अब खुलेगा, धंधा करवा, सही बात है। राज अब खुलेगा, तो अचानक एक पकड़ा गया, देख भूमि, ऋषि मुनि की भूमि है, उसने एक आवाज दे दी, अबे उत्तराखंड में जाओ जाओ, उत्तराखंड में सो मत जाओ जाओ, हमारे तुम्हारे उत्तराखंड में अन्याय हो गई, अन्याय हो गया। तो ये उसके अंदर मर तो गई, वो उसने सबके लिए एक रास्ता साफ कर दिया, अंकिता भंडारी रास्ता कर दे, आप जागो, किसी का अंधविश्वास मत करो, किसी पे विश्वास मत करो, एकदम विश्वास मत करो यार, ठीक है जो है बढ़िया है। सही, इसलिए उसने आप लड़के हैं, आप सोच रहे हैं ये काय के हैं क्या है, तो आप ये एकदम कदम कदम फूक फूक के चलेंगे, अगर आगे चलेंगे आप लड़की बाहर जाएगी, तो सोच सोच के फूक फूक चलेंगे, कैसा चक्कर चलना है, कैसा जाना है, यहाँ पे कैसा माहौल है, किस प्रकृति के लोग है, क्या है, और हम गढ़वाली क्या है, हम जल्दी विश्वास में आ जाते हैं, जल्दी विश्वास कर लेते हैं, कोई प्यार से बोलेगा तो हमको याद नहीं बोलेंगे, भाई साहब ये सर आप तुमको इतना देंगे, ये देंगे, सो देंगे, हम बोलेंगे यार इसके बराबर, हम अपने जो पेट का जो है सही कह रहे हैं पूरा बता देंगे उसको, बोलेंगे भाई साहब मेरे घर में ये है और फिर जो अपना गरीब की जो हमारी कंडीशन होती वो भी उसको बता देंगे, पूरी व्यथा उसको बता देंगे, जल्दी किसी पे विश्वास कर लेते हैं। पापा ने यही सोचा कि ये प्यार से बोल रहा है, अच्छा आदमी है, अच्छा आदमी, नहीं तो उनको मतलब अकेली लड़की थी, मतलब रिजॉर्ट में अकेली थी, वही रूम में रहना था, जंगल में रिजॉर्ट था, उन्होंने ये चीज नहीं सोचा ना कि मतलब दिमाग में नहीं आया ना, दिमाग में नहीं था ना, मन साफ था ना उनका, सब ने बंद रखा पूरा उत्तराखंड से लेकर गाँव से लेकर पूरा उत्तराखंड 2 अक्टूबर अंकिता भंडारे के लिए बंद था। हाँ। बहुत बढ़िया है, सारा उत्तराखंड को मैं ये प्रणाम करूंगा, अच्छी बात है, पूरा उत्तराखंड अंकिता के लिए, अंकिता के लिए होटल बंद, मतलब गवर्नमेंट का कोई ऑर्डर नहीं था, ये उत्तराखंड वासियों ने अपने आप किया था, अंकिता के लिए था, अंकिता के लिए। यार कभी तुम घोटाले में फंस रहे हैं, घोटाले में फंस रहे हैं, हकम सिंह जैसा घोटाले में फंस रहे हैं, वो सारे लोग बिजी भी गए, अलग बिजी भी गए, सरकार तुम्हारी केंद्र में भी तुम्हारी उत्तराखंड में तुम्हारे डालो इनको फांसी करो, सरकार चाहो या कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का हो चाहे निर्दलीय का हो चाहे जो गलत है उसको फांसी दे दो, हमें पार्टी से मतलब नहीं, वो सिर्फ हमको वोट में यूज करते हैं, जो भी पार्टी उस टाइम पे तो ऐसे करते हैं कि बस क्या काम है आपको, चाहो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, घर घर आके पूछेंगे उस टाइम, तो बाप ने चेयर लिया फिर ऊपर उसके बाद बाय बाय, हाँ ये बड़ा वो दुर्भाग्य हमारा, उसके बाद कोई नहीं पूछता किसी को। बहुत अंकल थैंक यू सो मच, धन्यवाद आपने, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ आपने अब ये मैसेज जाएगा ना बाहर जाएगा, ये मैसेज क्यों नहीं जा, अपने उत्तराखंड वाले जा गेंगे, सही बात है, वालों को वोट मत दो, वोट मत दो, अपने उत्तराखंड के मेंबर को उठाओगे उनको वोट दो और न्याय दो अंकिता को, हमारी और कुछ मांग नहीं है, बस हमें न्याय चाहिए, अंकिता को न्याय दो, चुनाव की बात प्रक्रिया तक, सही बात है, सही कह रहे हैं अंकल जी, बिल्कुल ईमानदार है, तब लगेगी तुम्हारी कौन सी है, पहले उस लड़की को न्याय दो, पहले न्याय दो, गरीब लड़की है, बड़ी लड़की हमी तो हमारा पूरा उत्तराखंड के है, अच्छी अच्छी हमी तो दे सकते हैं, वो तो दे, सही बात है, और क्या, अगर तुम नहीं देंगे तो तुम मंत्री है, केंद्रीय मंत्री है, सब कुछ तुम हमारे उत्तराखंड के पावरफुल, अभी पुष्कर सिंह धामी हमारे उत्तराखंड के, अगर तुम अगर न्याय नहीं देंगे तो हम तुमको 2027 में आप हमारे दरवाजे में न्याय उत्तराखंड में वोट मांगने नहीं आएंगे, वोट नहीं लाए, आप वोट न्याय नहीं देंगे तो आप वोट के लायक नहीं, न्याय देंगे हम आपके साथ, बिल्कुल साथ है, आप न्याय नहीं देंगे, ये भी उनकी परीक्षा है, ये परीक्षा है उनके लिए, मतलब देते हैं अपन न्याय करते हैं, और न्याय हमें तसल्ली उसी में है कि उनको फांसी चाहिए, और फिर हम आप पे विश्वास करेंगे, हम आप पे विश्वास करेंगे, और वो पटवारी है ना उसके भी पटवारी को मिला हुआ है, उनको साथ में रखो, और जिन्होंने रियो हाथ है रियो में जिसने चलाए पहले करानी पर उसका भी गलत सपोर्ट किया, जिस भी लगाया उसको 5 मिनट जैसा दो, फिर बिना पूछा कैसे लगा दे, जेम बोला मैंने लगाया, पुलिस बोला मैंने लगा रहा, अब उन्होंने नेता के चक्कर में दबाव में से जीत लगा दे, पुलिस को पूछा आपने क्या वहाँ जीत कैसे लगा, इसलिए मुझे पता नहीं किसको पूछ के लगाया, नेता नहीं अलग से वहाँ सबूत है पूरा, कागज होंगे पत्र होंगे क्या क्या उसके साथ, वो सारे दबा देंगे, खत्म करो, मीडिया को अंदर जाने दे रहे हो, क्यों मैं तुमको मीडिया सीधा, हम तो मीडिया की वो करेंगे
धन्यवाद देंगे सोशल मीडिया की, सोशल मीडिया में जो भी बात फैली, जो बात फैली, सबसे बड़ा बधाई पात्र मीडिया है। मीडिया हमारे साथ बहुत जाते रहे, बहुत ज्यादा। और जो हमारे जो बहन सोशल मीडिया में जो काम कर रहे हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद है, इसलिए धन्यवाद है। क्यों अंकित की जो मांग उठाई इनकी दीन है, ये दोनों सारे लोतीपति करके दबा दिया था, ये सब ने आप हैं, दूसरे हैं, तीसरे हैं, सब जो उठा रहे हैं उसको बहुत बढ़िया है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू अंकल। अंकल ने और मौसी ने आप सबके साथ अपने व्यूज शेयर करे, और सच में अंकिता को न्याय तो मिलना ही चाहिए, और कुछ मांग नहीं हमें, बस उसे न्याय दे दो प्लीज़। भगवान जी से भी रिक्वेस्ट है, और जो भी हमारे बड़े अधिकारी हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ उसे न्याय दे दो। जय हिंद, जय भारत, जस्टिस फॉर अंकिता।